सेन, आप मुझे छोड़कर कहीं जाएंगे तो नहीं ना? कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम अगर अम्मी आपसे रुकने का कहे तो आप मना कर दीजिएगा। परेशान मत हो, मैं मना कर दूंगा। बस मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक हूँ। रेस्ट करो प्लीज। जी मॉम, आप कॉल कर रही थी मुझे? हाँ बेटा, मैं कह रही थी चले हम फिर सुबह आ जाएंगे। नहीं मॉम, आप चली जाइए फिर, मैं अभी फिलहाल यहीं पर रुकूं। लेकिन जैन, मॉम, जब तक ईशान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं घर नहीं जा सकता। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप जाना चाहती हैं घर, आप प्लीज चली जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। तुम घर जाके ना आराम कर लो, थक गए होगे। अजर और मैं यहाँ रात रुक जाएंगे। नहीं आंटी, मैं घर नहीं जाऊंगा। आप दोनों को घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। मैं तो ईशान के पास रुकूंगा, उसे अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकता। अब नहीं नहीं घर पे ना मेरा तो दिल नहीं लगेगा। आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं ईशान का बहुत ख्याल रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। अल्लाह ना करे कि वो ऐसी बात हो, अगर तबीयत बिगड़ती है ना तो तुम मुझे कॉल कर देना। ऐसा ही अच्छा, चलिए ठीक है फिर। आई थिंक मैं अंदर जाके उसको समझाती हूँ, तसल्ली देती हूँ। बेचारी परेशान हो जाएगी अगर हमें नहीं देखेगी, है ना? ओके अजय, आई एम सॉरी थोड़ी मुझसे। अरे नहीं अंकल प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? Assalamu alaikum. Please subscribe to AYR Digital YouTube channel for amazing content.